हम लोग आम आदमी पार्टी से अलग हुए थे और स्वराज अभियान का गठन किया था, और ये सोच के गठन किया था, ये देख कर गठन किया था कि इस देश के बहुत सारे खासकर युवक लोग जो इस देश को बदलने के लिए बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से बाहर निकले थे, वो बिल्कुल ठगा महसूस करने लगे थे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हुआ और उन्होंने सब उसूलों को छोड़कर वही जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है वो सब करना शुरू कर दिया। उस समय हम लोगों को लगा कि एक ऐसा संगठन बहुत जरूरी है जिसमें कि इन युवकों की और जो देशभक्त लोग जो देश को बदलने के लिए अपना समय और ऊर्जा देना चाहते हैं उनकी ऊर्जा का संकलन करके उसको सही दिशा में लगाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। तब हम लोगों ने स्वराज अभियान का गठन किया। उस समय ये साफ था, हम लोगों ने बोला भी था कि ये एक राजनीतिक संगठन है, पार्टी नहीं है अभी, लेकिन हम लोग पार्टी बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे और जब हमारे न्यूनतम मापदंड तय हो जाए उस समय कि हम लोग अपने संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित कर लें और जब कुछ काम करके दिखा लें उसके बाद फिर हम लोग एक पार्टी के गठन की बात सोचें। तो उस जब ये मापदंड पार कर लिए गए और हम लोगों ने एक रेफरेंडम भी करा दिया स्वराज अभियान के सारे मेंबर्स में, और ये फैसला हुआ कि भाई अब हमको राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए, तब जाकर ये स्वराज इंडिया का गठन आज किया गया है। पूरे देश में जहाँ पर भी आप जाएं सब जगह ये बात सुनाई देती है कि भाई सारी पार्टियां जो हैं बेईमान हो गई हैं, सब में एक परिवार का कब्जा है या एक सुप्रीमो का कब्जा है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और सब बस वोट और पैसा हासिल करने की राजनीति कर रही हैं कि चाहे वोट लेने के लिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम करना पड़े तब भी वो करती हैं। तो इसलिए सब जगह से ये आवाज आती थी कि भाई हमको कोई इसका विकल्प दीजिए। जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे सब लोग ये बात कहते थे, लेकिन हम लोगों ने ये भी फैसला किया था कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी तो फिर स्वराज अभियान जो संगठन है उसको नॉन पॉलिटिकल पार्टी, नॉन इलेक्टोरल एंटिटी की तरह से उसको जीवित रखा जाएगा, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि चुनावी राजनीति में नहीं घुसना चाहते लेकिन देश को बदलने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा आंदोलन वगैरह करना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा उस बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ऐसा एक नॉन इलेक्टोरल संगठन होना चाहिए। जब हम लोगों ने लोकपाल का आंदोलन किया था तो उस समय गलती ये करी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को अबैंडन कर दिया गया, उसको खत्म होने दिया गया और उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना चाहते थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते थे, वो लोग उससे अलग हो गए। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि स्वराज अभियान एज ए नॉन इलेक्टोरल एंटिटी जीवित रहेगा और बड़े बड़े मुद्दों पर आंदोलन करता रहेगा और इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जो कुछ किया जा सकता है लोगों को जुटा कर आंदोलन खड़ा करके करेगा। तो अब सब लोगों की ये राय थी कि ये जो स्वराज अभियान है, जो नॉन इलेक्टोरल एंटिटी है, उसका कन्वीनर मैं बन जाऊं और उसका मार्गदर्शन मैं करूं और मैं भी
यही चाहता था कि कम से कम इसका एक ठीक तरह से संचालन चलना चाहिए स्वराज इंडिया पार्टी बनने के बाद। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं स्वराज इंडिया में कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं लूँगा, और आगे चलकर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अभी इमीडिएटली तो कुछ ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव कमिटीज कॉमन हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटीज और ऑफिस बेयरर्स अलग अलग हो जाएँ स्वराज इंडिया की और स्वराज अभियान की। तो आज एक बहुत बड़े काम की शुरुआत हुई है, एक वैकल्पिक राजनीति के लिए एक नई पार्टी का गठन हम लोगों ने अनाउंस किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर ये स्वराज इंडिया जो दल है ये वो काम करके दिखाएगा जो आम आदमी पार्टी से हमने अपेक्षा करी थी लेकिन वो नहीं कर पाए, इसके कारण आप लोग सब जानते हैं, और वो गलतियां नहीं होंगी जो आम आदमी पार्टी में हुई, और सचमुच एक ऐसी राजनीति इस देश में कायम होगी जिसमें कि आंतरिक लोकतंत्र, जवाबदेही, पारदर्शिता और नीतियां ऐसी जो कि पूरे जनहित में बनी हो, ऐसी एक बहुत बड़ी शुरुआत आज हमने करी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत दूर तक जाएगी।